हेलो फ्रेंड्स, मैं जीडीएस रेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा। आशा करता हूँ मुझे पहले से जानते होंगे आप। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पोस्ट एंड कोर की। वैसे ये पोस्ट एंड कोर बहुत काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जब हम पढ़ाते हैं तो इसके अंदर 2-3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन इस 5-7 मिनट की वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल मेन पॉइंट्स को जस्ट टच करूँगा। और एक क्लिनिकल वीडियो जो हमने कल ही अपने पेशेंट के अंदर रिकॉर्ड करी है, उसके बारे में बताऊँगा कि हमने क्या करा है। लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर तो वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इंस्टाग्राम पर मुझे GDS डेंटल अकेडमी के नाम से फॉलो करना मत भूलना। तो चलिए आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। पोस्ट एंड कोर, पोस्ट एंड कोर के अंदर मेन बातें को देख लेते हैं क्या होता है। पहले बात करते हैं पोस्ट की। ये पोस्ट आती कितने तरीके की होती है? ये 2 तरीके की हो सकती हैं, कस्टम मेड यानी जो लैब बनाएगी, और एक प्री फैब्रिकेटेड जो बाहर से आपको मिलेगी। कस्टम मेड के अंदर हम क्या करते हैं कि पेशेंट के अंदर कैनाल का इम्प्रेशन लेते हैं और लैब के अंदर भेज देते हैं पोस्ट एंड कोर तैयार होने के लिए। प्री फैब्रिकेटेड 2 तरीके की होती है, एक मेटल पोस्ट होती है और एक हमारी फाइबर पोस्ट होती है। फाइबर पोस्ट और मेटल पोस्ट में क्या फ़र्क है? मेटल हमारा रिजिड होता है, ये रिजिड होता है तो ये बेंड नहीं होता, यानी हमारे अगर यहाँ पे ऑक्लूजल फोर्सेस ज़्यादा है तो हमारा डेंटिन बेंड हो जाता है, मेटल बेंड नहीं होता। ये इसका सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज है, इसीलिए फाइबर पोस्ट आजकल लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो बेंडेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट डेंटिन के बराबर है। और ये 2 तरीके की हो सकती हैं, सिलेंड्रिकल भी आती हैं, मतलब कि बिल्कुल पैरेलल होंगी इनकी, ये ऐसे बिल्कुल सीधी की सीधी, और एक ये आ सकती है हमारी टेपर्ड। टेपर्ड कैसी होंगी? ऐसी। सिलेंड्रिकल का क्या रिटेंशन अच्छी है, टेपर्ड का क्या रिटेंशन कम है, लेकिन ये वेजिंग इफेक्ट कर सकती है, ये हो सकता है कि आपकी रूट को ब्रेक कर दे। अब आपका इच्छा है, कुछ इसकी भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है, इसकी भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है, आपने जो यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। और जो हमारी कस्टम मेड पोस्ट है, ये कब कर सकते हैं? जब आपके कैनाल का स्पेस काफ़ी लार्ज हो, आप एग्जैक्ट चाहते हो कि हमारा जो ये तो एक प्री डिफाइंड इसी के अंदर आती है, स्पेस के अंदर आती है, आप नहीं चाहते एक्स्ट्रा डेंटिन कट करने के लिए, तो आप कस्टम मेड के लिए जा सकते हो। लेकिन ये बनाना और इसको अंदर ज़्यादा चेयर साइड टाइम लगता है, ज़्यादा आर्मामेंटेरियम लगता है और ज़्यादा स्किलफुल है, ये इसके अंदर इतना स्किलफुल नहीं है प्री फैब्रिकेटेड आप करते हो तो। आज की वीडियो के अंदर हम प्री फैब्रिकेटेड फाइबर पोस्ट यूज़ करने वाले हैं। एक बात और आपको ध्यान रखनी होती है कि भाई आपकी जो लेंथ कितनी चूज़ करोगे फाइबर पोस्ट की, लेंथ आपकी हो सकता है आपके पास फाइबर पोस्ट इतनी भी हो, तो आप कौन सी यूज़ करोगे, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कि हमारे पास जो टोटल वर्किंग लेंथ है वो कितनी है। मान लेते हैं कि मेरे को जो फाइनल ऑक्लूजल मेरे को चाहिए यहाँ तक, और ये मेरी है 18 mm, हमारी सपोज जो हम RCT कर रहे थे वो वर्किंग लेंथ होती है, तो हमारी जो पोस्ट है वो इसके अंदर लास्ट के 4 mm को टच नहीं करेगी, यानी लास्ट का 4 mm GP 100% होना चाहिए। आप इसको चूज नहीं कर सकते, इसको टच नहीं कर सकते, अगर आप इसको रिमूव कर दोगे तो आपकी RCT फेल हो जाएगी। तो अब हमने से 18 में से 4 गए तो कितने बचे हमारे पास? 14 mm, यानी 14 mm की हमको लेंथ चूज करनी है। अब 14 mm के अंदर से ये बात भी ध्यान रखना होता है कि हमारा मानो कैनाल ऑरिफिस से लेके ये कितने mm है और इसके बाहर कितने mm है। आईडी में क्या चाहिए, अगर एक डंडा मानो जमीन के अंदर गड़ा हुआ है तो हम जितना हिस्सा अंदर होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जो ये पोस्ट की जो ये लेंथ है, जितनी ये रूट के अंदर ज़्यादा होगी उतना हमारा मजबूत होगा, उतनी ज़्यादा हमारी रिटेंशन ज़्यादा अच्छी होगी। सेकंड जो बात इम्पॉर्टेंट होती है पोस्ट एंड कोर के अंदर वो ये होती है, बहुत बार लोग ये सोच लेते हैं कि भाई मैंने ये पोस्ट डाल दी, इसके ऊपर कोर बिल्ड कर दिया, अब मैं इसके ऊपर क्राउन लगा देता हूँ, वो उन्होंने ऐसे क्राउन लगा दिया, लेकिन ये ब्रेक हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें उन्होंने फेर्यूल का दिमाग ध्यान नहीं रखा। फेर्यूल क्या है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, आप नीचे दिए गए लिंक के अंदर पुरानी वीडियो को ध्यान रख सकते हो। तो आपने पोस्ट एंड कोर का भी जो काम है वो सिर्फ हमारा ये है, जो हमारी जो पोस्ट है वो कोर को रोकती है, फिलिंग को रोकती है, फिलिंग को डिसलॉज नहीं होने देती, उसका काम यही है, वो क्राउन को सपोर्ट नहीं कर रही है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना कि पोस्ट एंड कोर के भरोसे आप क्राउन नहीं दे सकते। अब हमने स्टेप्स देख लेते हैं फटाफट कि इसके स्टेप्स क्या क्या हैं।
पहला स्टेप्स होगा हमारा लेंथ डिसाइड करना। वो कैसे करेंगे, हमने बात कर ली वर्किंग लेंथ जितनी है उसमें से नीचे से 4 mm जीपी को छोड़ देंगे। सेकंड विड्थ, अब आप कितना जो हमारी जो पोस्ट है वो डिफरेंट विड्थ में आती है, पतली भी आएगी, मोटी आएगी, उससे मोटी आएगी, उससे मोटी आएगी, उनमें से कौन सा सिलेक्ट करोगे, आपको कैसे करना है वो, आपको केनाल की विड्थ देखनी है। केनाल की विड्थ यानी जो आपकी केनाल मोटी है पतली है वो कैसी है, वो उस बात के ऊपर डिपेंड करती है केनाल की विड्थ। सपोज ये हमारा एक रूट है और इसके अंदर हमने जो पोस्ट है, जो ये पोस्ट की विड्थ है ये 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती टोटल केनाल की विड्थ से, या इस पोस्ट के अराउंड 1 to 1.5 mm चारों तरफ से साउंड एंटीन होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, मान लेते हैं ये पोस्ट डाल रखी है, इसके ऊपर लेटरल फोर्सेस जब पड़ेंगी तो ये यहां से डेंटिंग को क्रैक कर देगी। तो हमारी जो विड्थ है केनाल की विड्थ वो आपने अप्रोप्रिएट ही चूज करनी है, मोटा पोस्ट डालने की कोशिश नहीं करनी है क्योंकि वो एक्स्ट्रा डेंटिंग को भी कट करेगा। थर्ड आता है कि आपने, अब आपने सिलेक्ट करनी है आप प्री फैब्रिकेटेड में से मेटल लोगे या फाइबर लोगे। मेरे को दोनों ही अच्छी लगती है फिलहाल के केस में, मैंने आजकल मैं जो मेरा जो ट्रेंड है वो फाइबर पोस्ट के टूवर्ड्स ज़्यादा आता जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो पोस्ट है वो बोंड हो जाती है केनाल के अंदर, जो मुझे लगता है कि वो एक्स्ट्रा रिटेंशन देती है। बाकी ये मुझे लगता है, थ्योरी क्या कहती है या नहीं कहती वो मुझे नहीं पता, लेकिन फाइबर पोस्ट के साथ एक जो सबसे बड़ी इनहेरेंट हमारे साथ दिक्कत क्या है कि मैं इसको जो अच्छी कंपनी की जो पोस्ट है मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। आई डोंट नो अबाउट यू, वो क्यों नहीं कर सकता, अगर आप एक अच्छी कंपनी की पोस्ट लेते हैं तो वो ₹1000 की आती है, प्लस अगर 1000 की पोस्ट आ रही है आप पोस्ट एंड कोर कर रहे हैं तो एटलीस्ट मेरे चार्जेस, अगर मैं 1000 के लेगा तो ₹3000 तो मैं पेशेंट से चार्ज करूंगा, जो RCT प्लस क्राउन प्लस पोस्ट एंड कोर के 3000 मेरे को नहीं देने वाला कोई। तो मैं इस वाली जो अच्छी पोस्ट है जैसे अल्ट्राडेंट की आती है, 3M की आती है, मैं इनको इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो मेरी अफोर्डेबिलिटी से बाहर है। अब आती है चाइनीज पोस्ट। अब चाइनीज पोस्ट के साथ क्या दिक्कत है, वो है ना, कौन, वो कितनी भी साइज भी हो सकती है वो उन्हें खुद को नहीं पता, कोई वो एक ही पैक के अंदर वो ज़्यादा मोटी भी हो सकती है ज़्यादा पतली भी हो सकती है। उनके साथ जो ड्रिल आती है कंपेटिबल जो ड्रिल्स आती हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी मोटी होती हैं और एक्स्ट्रा डेंटिंग कट करती हैं, ये सबसे ज़्यादा बड़ी डिसएडवांटेज लगती है मेरे को, उसके साथ कोई कंपेटिबिलिटी नहीं लगती। तो अब होता क्या है कि भी मैं इसको जो चाइनीज पोस्ट है आप उसको मेजर कर सकते हो, आपके जो मेटल गेज है वो कितनी मोटी है और कॉरेस्पॉन्डिंग पीस और रिमर आप यूज करना उसके साथ, उनके साथ जो प्रोवाइडेड ड्रिल्स है आप उसको बस यूज करना, वो एक्स्ट्रा डेंटिन कट करती है और जो आपके टूथ को वीकन कर देगा। तो हमने एक इसके अंदर, अब जो फोर्थ स्टेप आ गया, मैंने फाइबर पोस्ट को सिलेक्ट किया, उस सिलेक्शन के बाद फिर मैंने पीजो रिमर को सिलेक्ट किया। अब ये यहाँ पे मेरे पास जो है वो उसके ऊपर 1.2 mm लिखा हुआ है, यानी 1.2 mm इसका मैक्सिमम विड्थ है और ये मैंने नाप रखा है अपने मेटल गेज से। मेरे पास जो पोस्ट है वो है 1.2 mm की, तो इसके अंदर मेरे पास जो मेरी ड्रिल यूज होगी वो 2 नंबर की पीजो रिमर यूज होगी। ये चीज मैंने पहले से ही नाप रखी है, मैं पेशेंट को बिठा के नहीं करता, ये मैंने ऑलरेडी अपने पास जो आर्मामेंटेरियम है उसको मेजर कर रखा है, ये ऐसा आप भी कर ले तो ज्यादा बेहतर है। फिर हम इसके बाद जो ये फाइबर पोस्ट है ये GIC से लूट नहीं होती, तो आपको यहाँ पे रेजिन सीमेंट यूज करना है। अब जो ये रेजिन सीमेंट है ये 2 तरीके का अवेलेबल है आपको, एक होता है डुअल क्योर सेल्फ एडहेसिव। अब मेरी जो पुरानी वीडियो है जिसके अंदर मैंने डेंटल सीमेंट्स के ऊपर बात कर रखी है, ल्यूटिंग सीमेंट्स के ऊपर बात कर रखी है, उसके ऊपर इसकी डिटेल्स देख लेना। और दूसरा होता है डुअल क्योर एडहेसिव, वो सेल्फ एडहेसिव नहीं है, ये याद रखना आपने। अगर आपके पास ये है तो आपका काम बहुत आसान है। अब क्योंकि ये मैं पहले कर कंपनी की यूज करा करता था, अब उन्होंने डिसकंटिन्यू हो गया इंडिया के अंदर, तो अभी मेरे पास फिलहाल ये सीमेंट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कर की तो काफी कम चीप पड़ती थी मेरे को, अफोर्डेबल पड़ती थी, आज के टाइम में जो आ रही है वो सारी 5000 प्लस आ रही है, तो मेरे पास फिलहाल ये नहीं है। मेरे पास डुअल क्योर एडहेसिव सीमेंट है जो मैं यूज करता हूँ जैसे इनले विनियर्स और इन सब केसेस के अंदर यूज करता हूँ, मैं सेम यूज करूंगा कैलिब्रा। अब इसके अंदर 2 चीजें स्टेप्स होंगी, एक होगा पोस्ट प्रिपरेशन, एक होगा हमारा टूथ प्रिपरेशन।
पोस्ट प्रिपरेशन के अंदर क्या होगा कि भी पहले मैंने पोस्ट को एच करना है, एच किससे करूंगा, एचएफ से, कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड्स के लिए, फिर मैं इसके ऊपर लगाऊंगा सिलेन फॉर 1 मिनट, इसके बीच में इसको रिंस भी करना है, फिर उसके बाद 1 मिनट के लिए इसको एयर ड्राई कर दूंगा एंड देन इसके ऊपर मैं बॉन्ड अप्लाई करूंगा। बॉन्ड कौन सा अप्लाई करना है, कोई सा भी कर लेना, यूनिवर्सल कर लो या जो आपके पास जो सीमेंट यूज कर रहे हो उसके साथ भी बॉन्ड अवेलेबल होते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो। मैं वो यूज करूंगा जो मेरे पास कैलिब्रा किट के साथ आए हैं। टूथ प्रिपेयर में क्या करना है, पहले तो हमने पोस्ट ही प्रिपेयर, पोस्ट स्पेस बनाना है, फिर उसके बाद उसको अच्छे से क्लीन करना है, कैसे, वैसे ही जैसे नॉर्मल में इरीगेशन करते हो आप, नॉर्मल सलाइन डाल के वैसे इरीगेट कर लो, जितना हो सके उसको एच भी कर लो इनसाइड सरफेस को अगर पॉसिबल है, जितना जहाँ तक जा सकता है। फिर इसके अंदर बॉन्डिंग एजेंट लगाना, बिल्कुल थिन एप्लीकेटर टिप लेनी है और आपने केनाल स्पेस के अंदर डालना है, लेकिन यहाँ पे जो केनाल स्पेस के अंदर आप डालोगे तो आपका लाइट कैसे पहुंचेगी उसको क्योर करने के लिए, लाइट तो नहीं पहुंचेगी, तो आपका जो बॉन्डिंग एजेंट है ये भी सेल्फ क्योर होना चाहिए। यस, अब ये सेल्फ क्योर बॉन्डिंग एजेंट कहां से आएगा, सेम वो रेजिन सीमेंट की किट के अंदर से आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उसको ल्यूट कर देना है, सीमेंट लगा के इसके अंदर डाल देना है और उसके बाद हमने वही कंपोजिट से कोर को बिल्ड कर देना है। तो दोस्तों ये सारे स्टेप्स थे जो मैंने आपको इन पेपर के अंदर दिखाए, अब हम एक्चुअल वीडियो में चलते हैं कि भाई मैंने ये सारी चीजें कैसे कैसे करी। पहले हम पीजो रिमर 1 लगा लेते हैं अपने इसके अंदर और फिर उसके बाद हम जीपी रिमूव करने की स्टार्ट करते हैं। आप ये मिरर इमेज के अंदर देख सकते हैं कि मैं जीपी रिमूव करने के लिए अपना पीजो रिमर 1 मैंने कैनाल स्पेस के अंदर डाल दिया है। अब मैं ये पैलेटल कैनाल स्पेस के अंदर रिमूव कर रहा हूँ। इसके अंदर इनिशियली मैंने बर से जीपी को थोड़ा सा रिमूव कर लिया था, इसलिए होल्स आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं। और ये पोस्ट एंड कोर भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा जो टूथ स्ट्रक्चर लेफ्ट है वो कैप के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो ये मैंने अब सेकेंड पीजो रिमर डाल लिया है, अपनी विड्थ बढ़ा दी है और जो ये कटिंग है जो इसका 10 mm होता है तो मैंने लगभग 8 mm का पोस्ट स्पेस बनाया। तो अब मैंने पोस्ट स्पेस बनाने के बाद एक बार फिट चेक कर रहा हूँ क्योंकि ये चाइनीज़ पोस्ट एंड कोर पोस्ट्स हैं तो इनकी जो शेप है वो प्री डिटरमाइंड नहीं है। ये एक ही पैकेट के अंदर कोई मोटी निकलती है कोई पतली निकलती है, तो आपने पहले से चेक भी कर लेना है। अब ये मैंने मोनोबॉन्ड लगा रहा हूँ, इसके अंदर एचएफ और सिलिन दोनों ही है, इसको मैंने लगा के 1 मिनट तक छोड़ना है। अगर आपके पास ये मोनोबॉन्ड एचएन प्राइम नहीं है तो आप पहले एचएफ लगाओगे फिर उसको रिंस करोगे और फिर उसके बाद सिलिन लगाओगे। अब मैंने 1 मिनट छोड़ने के बाद इसको वॉश कर रहा हूँ मैं और इसको वॉश करके अच्छे से और सारा ये रिमूव करके इसको हम एयर ड्राई करके रख लेंगे। ये मेरा पोस्ट प्रिपेयर हो रहा है। अब मैंने सेकंड वाले को भी वॉश कर रहा हूँ। अब मैंने ये नॉर्मल सलाइन से अंदर से पोस्ट स्पेस के अंदर को भी क्लीन कर लेना है, जो हमने पीजो रिमर से डेब्रिस इकट्ठा करा है वो सारा का सारा रिमूव कर लेना है। अब एचिंग टोटल एच टेक्निक कर रहे हैं, इसमें सिर्फ इनेमल एमलिन डेंटिन दोनों को एच करना है और मैं फाइल से लेके इसको केनाल के अंदर भी घुसाने की कोशिश करता हूँ एचेंट को। 20 सेकेंड के बाद हम इसको ड्राई कर लेंगे और अच्छे से रिंस कर लेंगे। आपका एचेंट का 1% भी नहीं रहना चाहिए। हमारा जो पोस्ट के ऊपर हमने ये डुअल क्योर लगाना है और आप यूनिवर्सल भी लगा सकते हो एज अप टू यू, लेकिन हमारे पास कैलिब्रा के अंदर के ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो मैं यही बॉन्ड ए और बॉन्ड बी को मिक्स करके पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। मैं इसके अंदर एप्लीकेटर टिप से कैनाल स्पेस के अंदर भी डाल दूंगा ताकि हमारा जो बॉन्ड है वो कैनाल के अंदर भी पहुंच जाए और अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसको एयर ड्राई भी कर लेंगे। हम लाइट क्योर कर लेते हैं, हालांकि ये दोनों डुअल क्योर है लेकिन मैं लाइट क्योर करना भी पसंद करता हूँ, ये जो रिएक्शन है उसको फास्ट अनअप कर देता है। अब ये मैंने कैलिब्रा की दोनों ट्यूब में से थोड़ा थोड़ा निकालेंगे हम और फिर इसके बाद इन दोनों को मिक्स करके हम उसके ऊपर ल्यूट कर लेंगे पोस्ट स्पेस के अंदर। अब मैं ये ल्यूट कर रहा हूँ उसके अंदर। आप एक दो बार ल्यूट करके उसको अप एंड डाउन करके उसको अच्छे से फैला सकते हैं और इसको कर सकते हैं। ये भी डुअल क्योर है, ये भी अपने आप कैनाल के अंदर जाके सेट हो जाएगा। पर्पज़ क्या है इन सब का करने का, कि मैं ये चाहता हूँ पोस्ट स्पेस एक ही बन जाए। अब जो एक्स्ट्रा है उसको विदाउट वाटर मैं उसको कट कर देता हूँ। अब मैं इसके अंदर अपना कंपोजिट के अंदर, अब दोबारा से हमने ऑलरेडी बॉन्डिंग और एचिंग कर रखी है तो मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। हम कंपोजिट को धीरे धीरे नीचे अडेप्ट करेंगे। पहला इंक्रीमेंट आपका स्मॉल होना चाहिए क्योंकि नीचे तक लाइट कम जाती है और आपको अच्छे से अडेप्ट करना, आपकी जो कंपोजिट जितना अच्छे से अडेप्ट करोगे उसके अंदर कोर उतना ही अच्छा आपका बनेगा। वाइट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, लेकिन पोस्ट डालने के बाद क्या होता है कि वाइट्स रहने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ
होती हैं। आपने जितना मैं उसको शेप देने की, वो शेप देने की कोशिश करता हूँ, जो मेरे को कैपिंग के लिए जब मैं क्राउन कटिंग करूँगा तो फाइनल में जो शेप आएगी वो आएगी। आप पहले भी क्राउन कटिंग करके रख सकते हो कि आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको ज़्यादा पोस्ट ज़्यादा कोर ना बनाए, आपका मटेरियल ही ख़राब होगा। इट्स अप टू यू आप कैसे करना चाहते हैं। तो आपने वाइड नहीं आने देना इसमें, ये बहुत बड़ा ध्यान रखना है। स्मॉल स्मॉल इंक्रीमेंट्स के अंदर आप उसको बनाते चलो और जो फाइनल शेप आएगी उसके पास आके आपने स्टॉप कर लेना है। बहुत बार क्या मिस्टेक करते हैं मैंने स्टूडेंट्स के अंदर देखा है कि वो है ना वॉल को टेपर बना देते हैं। तो आपने वॉल को टेपर नहीं बनाना, जो हमारी मिसिंग वॉल है उसको स्ट्रेट ही रखना है। एंड फाइनल के अंदर हम इसको थोड़ा स्मूथ कर हैं। और अगर आपने आज ही सेम डे इंप्रेशन लेना है तो इट्स अप टू यू आपने करना है। तो मैं फिलहाल आज इंप्रेशन नहीं ले रहा, तो मैं इसको जस्ट स्मूथ करके छोड़ दूंगा। हमारे पीछे वाला जो दांत है वो कीरे से उसको पहले रेस्टोर करेंगे। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको ये कुछ चीजें थोड़ी चीजें समझ आ पाई होंगी, थोड़ी प्रैक्टिकल कैसे कैसे करना है पेशेंट के अंदर। तो आप भी ऐसे करेंगे तो आपको भी ग्रेट रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन एक्चुअल में अगर आप स्टार्टिंग में सीखना चाहते हैं, यहाँ पे पेशेंट के टूवर्ड्स देखना चाहते हैं, आप फ्रेशर हैं, तो GDS डेंटल अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे आप किसी भी लेवल के ऊपर हो, चाहे आपने कॉलेज में एक क्लास भी अटेंड नहीं करी हो, तो भी हम आपको अच्छे से यहाँ पे ट्रेन कर देंगे और आप कॉन्फिडेंटली अपने क्लिनिक के अंदर वो सारे पेशेंट्स कर सकते हैं और पैसे अर्न कर सकते हैं। Thank you for watching. Please subscribe our channel for watching other useful videos. Thank you.